बढ़ते हैं पहले पॉइंट की ओर कि बाल दिवस कब मनाया जाता है। मैंने जैसे कि आपको बताया था कि डेज से संबंधित आपको सभी डेज याद करने हैं और इसकी एक वीडियो बना रखी है मैंने, अभी कुछ दिन पहले अपलोड हुई थी, तो वो आप देख लीजिएगा चाहे तो। देखिए, मैं चाहे तो इसलिए बोलता हूँ क्योंकि मैं आपको फोर्स नहीं कर सकता पढ़ने के लिए किसी भी एंगल से। अगर हम लोग ज़्यादा फोर्स करते हैं कि वीडियो वॉच करें, प्लेलिस्ट वॉच करें, ये मैंने कर रखा है, तो कुछ लोगों को ये लगता है कि हम अपने चैनल को, अपने वीडियो को प्रमोट कर रहे हैं। तो जब आपकी सही समय लगे, जब आपकी आंखें खुल जाएं फेल होने के बाद या फेल होने से पहले, कभी भी, जब भी आपका मन करे, तब आप अपने अकॉर्डिंग डिसीजन लेना। मेरा काम आपको हल्का सा गाइड करना होगा, जो मैं हर एक वीडियो में करूंगा। अगला पॉइंट हमारे सामने की नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर है, तो ये है इलाहाबाद में। और अगला पॉइंट है काला पर्वत, काला पर्वत है हमारा भूटान में। विश्व की सबसे प्राचीन ज्ञात लिखित भाषा लैंग्वेज कौन सी है, तो ये है सुमेरियन। और अगला पॉइंट है सबसे पहले इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए यूनानियों ने किया था। किसने किया था? यूनानियों ने। पहली बार जो भारत को इंडिया बोला था वो किसने बोला था? यूनानियों ने। इसको कहीं पर पेन डाउन करना अगर आपको नहीं पता था तो। अगला पॉइंट है दिल्ली के लाल किले में स्थित मोती मस्जिद का निर्माण किसने कराया? औरंगजेब ने। देखिए, इस क्वेश्चन के साथ में ना आपको कुछ चीजें और भी याद रखनी है, जैसे कि किसका मकबरा कहाँ है। मुगल कालीन जो भी महत्वपूर्ण जो पर्सनैलिटी हैं, शासक हैं, उन सबके मकबरे आपको याद करने हैं। जैसे बाबर का जो मकबरा है वो कहाँ पर है? काबुल में। हुमायूं का मकबरा है दिल्ली में। अकबर का है सिकंदराबाद, मतलब जो आगरा है। जहांगीर का लाहौर में, शाहजहां का आगरा में, औरंगजेब का औरंगाबाद में। तो ये लाइन एक से आपको ये चीज़ें टिप्स पे याद होनी चाहिए, अपने नोट्स में ये लाइन क्रिएट कर लो, लिख लो उसको और याद कर लेना। अगला पॉइंट है 1909 के अधीन के तहत मुसलमानों के लिए एक पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी। अब देखिए, प्रथम फील्ड मार्शल कौन है, तो ये है आपके जनरल मानिक शॉ। और अकबर ने मोहम्मद हुसैन कश्मीरी को जड़ी कलम की उपाधि दी थी। अब यहाँ पे मैं आपको एक क्वेश्चंस देने वाला हूँ जो मैं आपसे पूछूंगा और चाहूंगा कि आप मुझे कमेंट करें। अकबर, 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 कई बार मैंने बोला है, कई वीडियो में मैंने बोला है, अब वहीं से एक क्वेश्चंस मैं आपसे पूछना चाहूंगा। अकबर ने दीन इलाही की स्थापना करी थी, कब करी थी? वो वर्ड्स मुझे आप भेजेंगे कमेंट बॉक्स में लिख करके। पिछले वीडियो में मैंने आपको दास प्रथा का अंत अकबर ने करा था, अकबर को हरमदल से मुक्ति कब मिली थी ये मैंने आपको बताया था, जजिया कर समाप्त करा था इसने, तीर्थ कर समाप्त करा था इसने, और इलाही संवत की शुरुआत इसने करी थी। ये सब चीज़ें, ये सब वर्ड्स मैं आपको बता चुका हूँ, तो अगेन मैं रिपीट नहीं करूँगा, क्योंकि ये अगर मैंने आपको बोला है कि ये जो भी मैंने नाम लिए हैं इसका डेट अपने मन में एक बार रिवाइज कर लेना, आपको इसी बहाने रिविज़न हो जाएगा। अगला पॉइंट है कि वाटर पोलो के प्रत्येक पक्ष में कितने प्लेयर होते हैं, तो ये होते हैं 7। और क्रिकेट के खेल में पॉम्पिक क्रीज की माप 4 फुट होती है। अगला पॉइंट है हमारे सामने कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर जो हमला हुआ था वो कब हुआ था? 11 सितंबर 2001 को। उसके बाद इम्पॉर्टेंट है यूनिसेफ दिवस कब मनाया जाता है? 11 दिसंबर को। और सीरिया की राजधानी दस्मिक है। नेशनल टेनिस एकेडमी गुड़गांव में स्थित है। और कल्पना चावला की मृत्यु 1 फरवरी 2003 को कोलंबिया यान की दुर्घटना में हुई थी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 ईस्वी में कटक उड़ीसा में हुआ था। पिकिंग कन्फ्यूसियस का पवित्र स्थल है। हुडरू जलप्रपात स्वर्णरेखा नदी पर अवस्थित है। और प्रोजेक्ट टाइगर की स्थापना 1973 में हुई थी। गुट निरपेक्ष आंदोलन की पहली समिट बैठक बेलग्रेड में हुई थी। और विश्व की ऊंची मस्जिद सुल्तान हसन मस्जिद मिस्र में स्थित है। रक्षा सेवाएं स्टाफ कॉलेज वेलिंगटन में स्थित है। और भारत से सबसे अधिक निर्यात कहाँ पे होता है? संयुक्त राज्य अमेरिका को। भारत में सबसे अधिक आयात संयुक्त राज्य अमेरिका से होता है। और प्रथम अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना 1979 में की गई थी। राजस्थान राज्य में सूचना अधिकार का प्रयोग सबसे पहले किया गया था। कौन सी स्टेट है राजस्थान में जहाँ पे सबसे पहले क्या हो गया? आरटीआई अप्लाई हुई थी। और पंचायती राज राजस्थान कौन सा जिला याद आया? चलिए आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, जब रिवीजन करेंगे तब पक्का आएगा।
अगला पॉइंट हमारे सामने, दूसरी पंचवर्षीय योजना ने भारत में पंचायती राज चालू करने की सिफारिश की थी और लोकसभा को उसके निर्धारित कार्यकाल से अनुच्छेद 85 के अंतर्गत भंग कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है एरियाना अफगानिस्तान की वायुयान सेवा है और सातवीं अनुसूची संघीय राज्य तथा संवर्ती सूची में दिए गए विषयों का उल्लेख करती है। संपूर्ण भारत को 5 क्षेत्रीय प्रदेशों में बांटा गया है और पहली बार प्रस्तावना में संशोधन 42वां संशोधन द्वारा किया गया। लाल सागर एक बृहत संरचना का एग्जाम्पल है और मोटर वाहनों तथा रेल इंजनों का सबसे बड़ा उत्पादक देश यूएसए है और कुंदा जल विद्युत परियोजना तमिलनाडु राज्य में है। शिवाजी को राजा की उपाधि औरंगजेब ने प्रदान किया था। उसके बाद हम बढ़ते हैं, हिमालय नवीन वलित पर्वत का उदाहरण है। भारत में कंपनी के अधीन प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग हुआ था और आर्टिकल 53 में कहा गया कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी और ईरान का नेपोलियन नादिर शाह को कहा जाता है। बाबर को भारत पर आक्रमण के लिए दौलत खान लोधी ने आमंत्रित किया था। बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये, ठीक है, अगेन बोल रहा हूँ मैं। बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए दौलत खान लोधी ने आमंत्रित किया था। टंगस्टन का गलनांक लगभग 3500 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। राष्ट्रीय आपात के समय आर्टिकल 19 में दी गई स्वतंत्रता समाप्त हो जाती है और रोल्ड गोल्ड तांबा तथा एल्युमिनियम का मिश्र धातु है। हॉकी की राष्ट्रीय प्रतियोगिता का नाम रंगास्वामी कप है और प्रथम विश्व युद्ध के समय अमेरिका के राष्ट्रपति वुड्रो विल्सन थे और देश का पहला परमाणु विद्युत संयंत्र की स्थापना तारापुर में 1969 में अमेरिका के सहयोग से हुई थी। और दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाई मुडी है। पहली बार 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत गवर्नर जनरल का पद बनाया गया। अगला पॉइंट है कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में हुई थी और पोंग बांध व्यास नदी पर हिमाचल प्रदेश में है, थिन बांध रावी नदी पर पंजाब में है और भारत के बाहर मिशनरीज ऑफ चैरिटी का पहला केंद्र कहाँ पर खोला था? वेनेजुएला में। अगला पॉइंट है विश्व में सबसे पहले आर्थिक नियोजन सोवियत रूस में शुरू किया गया था। 6वीं पंचवर्षीय योजना में आईआरडीपी कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी। संपूर्णता की दृष्टि से भारत में आर्थिक नियोजन का लक्ष्य न्याय के साथ विकास करना है और सीएसओ की स्थापना 2 मई 1959 को की गई। इंदिरा आवास योजना की शुरुआत 1985-86 में की गई थी और रिजर्व बैंक 1938 से नोट निर्गमन का कार्य कर रहा है। कब से कर रहा है? 1938 में। अगला क्वेश्चन है नोट वे सिक्कों पर अशोक स्तंभ जो अंकित हुआ था, प्रिंटिंग जो उसकी शुरुआत हुई थी अशोक स्तंभ के करने की, ये हुई थी 1949 में। हरित क्रांति का आरंभ कब हुआ था? 1967-68 को। रिजर्व बैंक के प्रथम गवर्नर ऑसबॉर्न स्मिथ थे। और वर्ल्ड की अर्थव्यवस्था में भारतीय अर्थव्यवस्था का स्थान क्या है? चौथा। विश्व का सबसे बड़ा खनिज तेल उत्पादक देश कौन है? संयुक्त राज्य अमेरिका। और भारत की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा 6 अप्रैल 1948 को की गई थी। भारत सबसे अधिक विदेशी मुद्रा का व्यय पेट्रोलियम पदार्थ पर करता है। लगातार बढ़ती कीमतों की प्रक्रिया मुद्रास्फीति कहलाती है। और भारतीय सांख्यिकी संस्थान ISO की स्थापना 17 दिसंबर 1931 को कैलकटा में स्थापित हुई थी। और दिल्ली स्थित लोटस टेम्पल कौन से धर्म का है? तो यह है भाई धर्म का। और अर्थशास्त्र का पिता एडम स्मिथ का जन्म 1723 में स्कॉटलैंड में हुआ था। उसके बाद हम बात करते हैं, ये पॉइंट अच्छा है इसमें देख लीजिएगा बुक में, मुद्रास्फीति थोक मूल्य सूचकांक से परिकलित होती है। आगरा की जामा मस्जिद का निर्माण जहां आरा ने किया था और महात्मा गांधी के प्रिय भजन जो है पीर पराई जनरे के रचयिता है नरसिंह वर्मा। बहुत अच्छा गीत है ये, कभी सुनना, बहुत ही प्यारा है, कभी अकेले में बैठ के सुनना आपको बड़ा अच्छा लगेगा।
अगला पॉइंट है गांधीवादी अर्थव्यवस्था ग्रामीण सहकारिता के सिद्धांत पर आधारित है। तो गांधीवादी अर्थव्यवस्था किस पर आधारित थी, तो ये आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं, तो आपको याद रखना है ग्रामीण सहकारिता के सिद्धांत पर कौन सी अर्थव्यवस्था गांधीवादी अर्थव्यवस्था थी। तो फ्रेंड आज के इस वीडियो में बस केवल इतना ही, और अगर आपका भी मन हो काजू कतली खिलाने का मुझको नहीं चलो ये अपने आप को और अपनों को, तो प्लीज़ मेहनत में अभी से लग जाओ। और अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा और मैक्सिमम जितना शेयर कर सकते हैं इस वीडियो को शेयर करिए। और एक इम्पॉर्टेंट नोटिस और, देखिए इस चैनल पे केवल और केवल 5% लोगों को ही नोटिफिकेशन जाता है। काफ़ी सारे बच्चे मुझे कमेंट करते हैं, कॉल करते हैं कि सर आपने वीडियो डालना बंद कर दिया क्या। बंद नहीं करा है, डेली के 3 से 4 वीडियो पब्लिश हो रहे हैं, आपको उसका नोटिफिकेशन नहीं मिलता क्योंकि आपने बेल आइकन पे क्लिक नहीं करा होता है। तो अगर आपने सब्सक्राइब करने के बाद भी बेल आइकन क्लिक नहीं कर रखा है और ऑल नोटिफिकेशन ऑन नहीं कर रखा है, बेल आइकन जैसे ही प्रेस करोगे तो आपसे पूछेगा ऑल नोटिफिकेशंस ऑन, तो ओके पे आपको क्लिक करना है, उसके बाद में आपको कंटिन्यू नोटिफिकेशन मिलेंगे। लगाइए 1 लाख सब्सक्राइबर होने के बाद केवल 5% बच्चों ने ही बेल पे क्लिक कर रखा है। अब 5% से भी कम बच्चों के पास में नोटिफिकेशन मिल जाता है। तो अगर आप चाहते हैं जुड़ना इस चैनल के साथ में तो बेल आइकन पे क्लिक करें, प्लस नोटिफिकेशंस के जो ओल्ड नोटिफिकेशंस का मैसेज आता है उसके बाद में उसको ओके करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, टेक केयर एंड